महापर्व छठ को देखते हुए पूजा की जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है इस बारे में वो भी आपको सुनवाते हैं। जी हमको शुरू से दिलचस्पी है, मेरा माता पिता बनाता था, अब हम बनाने लगे, हमको बहुत ही पर्व अच्छा लगता है। कितने सालों से आप ये बना रहे हैं? हम 25-30 वर्ष से बना रहे हैं, ऐसे नहीं 25-30 साल से। पहले दरोगा रायपत में रहते थे, वहाँ बनाने लगे, वहाँ बनाते बनाते वहाँ से झोपड़ी उखड़ गया, यहाँ चलाए थे, यहाँ बनाने लगे। खरीदारी करते हैं बहुत अच्छे से, खरीदारी करते हैं सब नेम तेम से बनाते हैं, तो खरीदारी तो करवे करती है अच्छा से, हाँ ले जाती है खरीद के। कितने बनाते हैं? बनाते यही 80-100 चूल्हा बना लेते हैं, बिक जाता है, कम पड़ जाता है, सही में कम पड़ जाता है, अभी नहीं चूल्हा उतना बनाया। तो यार हम लोग तो 20 साल से कारोबार कर रहे हैं, समझ गए, छठ पर्व का जो पर्व है हम लोग सेवा में 20 साल से सेवा में लगे हुए हैं। 20 साल मतलब तैयारी कितने दिनों से आपको? ये तो आज से ही तैयारी हो रहा है, हाँ आज से ही तैयारी हो रहा है, लेकिन इसका 2 दिन हम लोग का बाजार रहता है, एगो खरना के दिन, एगो पहला रख के दिन, वो दिन बाजार धूम के चलता है। इधर दिखता है सर चूल्हा बेचते हम लोग मुस्लिम होकर के भी, ये हिंदू के पर्व लेकिन इसको बहुत अच्छा से हम लोग मान्यता करते हैं, और हम लोग के हर साल हिंदू धर्म के बेचारा आता है, चूल्हा किन करके ले जाता है और उससे दिलचस्पी लेता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, इसी से बेच करके बाल बच्चा के भी परवस्ती करते हैं, ऐसा बात नहीं है, धर्म बहुत बढ़िया अच्छा है, हम लोग मनिंदा भी करते हैं इस धर्म को। हम लोग कम से कम तो 40-45 बरस से बनाते आ रहे हैं, अब बनाते बेचते चल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के चूल्हा बिक जाता है, कुछ कुछ बच जाता है, कुछ कुछ बचता है, सब बिक जाता है।